जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देव की नंद की। एक पुरंजन और एक उसका मित्र है अविज्ञात, दोनों एक जगह पर विराजमान थे। तो पुरंजन ने कहा, हम कहीं भ्रमण करना चाहते हैं, आप यहीं बैठो, हम भ्रमण करके आ जाएंगे। तो पुरंजन भ्रमण करने के लिए अकेला ही निकल पड़ा। अनेकों गांव अनेकों शहरों में होता हुआ पुरंजन, हजारों गांव लाखों गांव शहरों से होता हुआ निकला, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगा। अचानक से एक जगह पर पहुंचा और वहां जब पहुंचा तो उसने एक दृश्य देखा। एक नगरी है, बहुत सुंदर है, नौ द्वार वाली नगरी है। और उस नगरी को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसमें प्रविष्टित हुआ, चले चलकर देखें इसमें अंदर क्या है। तो जब उसमें अंदर जाकर उसने देखा तो वहां वो क्या देखता है, वहां सबसे पहले उसकी मुलाकात एक सुंदर स्त्री से हुई। उस स्त्री को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हो गया और उसे देखकर कहता है, आप बड़ी सुंदर हो। उस स्त्री ने कहा, आप भी कोई कम सुंदर नहीं हो। बोले, तो एक काम कर लो, क्या तुम्हारी शादी हो गई? बोले, नहीं, हमारी नहीं हुई। बोले, तो हमसे शादी कर लो। बोले, मैं तो तैयार हूँ, करिए शादी। दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद पुरंजन ने पूछा, ए देवी, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस देवी ने कहा, हमारा नाम तो कछु नहीं है अभी। बोले, तो ठीक है, हमारा नाम पुरंजन है, तुम्हारा नाम पुरंजनी है। बोले, ठीक है। अब एक नई नई शादी तो आप सबकी भी हुई है कभी ना कभी, न जाने कहां गए वो दिन। वो दिन भी क्या दिन थे जब शादी नहीं हुई थी। ओहो, आहा, माता बहनों को तो बस इतने में ही समझ जाओ, ज्यादा इसका वर्णन करना ठीक नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जिब्बात पुरंजन ही खावे तो पुरंजन खावे, हर संडे रेस्टोरेंट में घुमाने ले जावे, छुट्टी वाले दिन मूवी दिखाने ले जावे। पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी सोवे तो पुरंजन सोवे, पुरंजनी जग के कार्य करे तो अरे तुम इतना क्यों करते, तुम्हारी कोमल कोमल हाथ, लाओ आई हेल्प यू, वो करे। कहने का अभिप्राय है, अब पुरंजन 24 घंटा पुरंजनी 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 करता है। अब 24 घंटा वहां उस नवद्वार की नगरी के रक्षा जो करता है वो पंच प्राण वाला, पंच फन वाला सर्प करता है जिसके पांच फन है। और ये पुरंजन पुरंजनी सो भी जाए तो भी वो सर्प जगा रहता है 24 घंटा देखभाल करता है। उस नगर के 10 सैनिक हैं और एक सेनापति है, और ये दोनों आराम से आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बड़े खुश हैं साहब, बड़े खुश। एक जरा नाम की कुरूप कन्या जिससे कोई विवाह नहीं कर रहा है, वो अपनी विवाह करने के लिए निकल पड़ी है, हमसे भी कोई विवाह करो, हमसे भी कोई विवाह करो, पर उससे तो कोई विवाह कर ही नहीं रहा है। तो वो राजा चंडवेग के पास में गई और कहने लगी, देखो हमसे तो कोई विवाह कर नहीं रहा, हम क्या करें, हमारा भी विवाह करने का मन कर रहा है। अब वो चंडवेग समझ गया, इतनी कुरूप है, कौन करेगा इससे विवाह, पर फिर भी कोई आया है सामने तो हेल्प करने की इच्छा होती है। बोले, ठीक है, एक काम करो, तुम हमारे सैनिक ले जाओ हमारे सैनिकों को तुम ले जाओ। और ये सैनिक कौन है? बोले, 365 कह लो या 360 कह लो, जो भी, 365 गोरे 365 कारे, इनको लेके जाओ और तुम जिसके साथ भी विवाह करना चाहो करो। तो अचानक से उन दूतों को लेकर इस जरा ने आक्रमण कर दिया पुरंजन के ऊपर, तो सैनिक घायल हो गए थे इसके, इतना सैनिक थे भाई उसके पास, तो
सैन्य घायल हो गए, जो 10 सैनिक थे उसके पास सेनापति, तो ये तो मतलब का है। अब इन सब ने पुरंजन के ऊपर आक्रमण कर दिया और पुरंजन समाप्त हो गया। समाप्त होते वक्त उसके मन में ये हो रहा था कि मेरी पुरंजनी का क्या होगा, वो कैसे रहेगी, वो कहां रहेगी, वो अब क्या करेगी। तो अंत मति सो गति, अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है, दूसरे जन्म में उसकी वैसी गति होती है। तो पुरंजनी में उसका मन था, इसलिए वो मर के दूसरे जन्म में स्त्री बना। और जब वो स्त्री बना तो उसका विवाह मलध्वज नामक एक राजा से हुआ, और वो किसी युद्ध में वो राजा भी मारा गया, तो उसके सब को लेकर, ये सती हो रही थी वो सब, अब तो स्त्री है तो उसके सब को लेकर सती होने को तैयार थी। तो ये तो स्थिति इसकी। अब उस जो इनका मित्र था अज्ञात, उसने सोचा हमारा मित्र गया हुआ है, अभी तक लौटा नहीं है, कहां गया, चलो हम ही ढूंढते। तो ढूंढते ढूंढते वो यहां पहुंच गए, तो देखा कि पुरंजन तो स्त्री बना हुआ है और एक किसी राजा के साथ वो सती हो रहा है। तो उन्होंने कहा, अरे भैया क्या कर रहे हो, अरे किसके लिए सती हो रहे हो तुम, अरे मुझे देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मेरी तरफ देखो एक बार, मैं तुम्हारा मित्र हूं, देखो। तो उस स्त्री ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं अपने पति के सब को लेकर सती होना चाहती हूं और तुम पतिव्रता स्त्री को अपना मित्र बताते हो, मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं। तब उन्होंने कहा, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो मित्र, अब का नहीं, मैं तो सदा सदा का तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे मित्र पुरंजन हो और मैं तुम्हारा विज्ञात नामक मित्र हूं। तुम मुझसे कह के निकले थे मैं कुछ भ्रमण करके आ जाता हूं, तो भ्रमण करने निकले थे तुम अभी तक वापस नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए चला आया हूं। तब उसे समझ में आया, पूर्व जन्म याद आया, तब वो सती हो ना भूलकर अपने मित्र के साथ में गया। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये कहानी सुना दी, कथा सुना दी आपने, ये पुरंजन है कौन, हम और आप ही पुरंजन है, ये पुरंजनी कौन है, बोले हमारी बुद्धि पुरंजनी है। बोले नवद्वार वाली वो नगरी कौन सी है, बोले ये नगरी ही नवद्वार की है, इसमें 10 सैनिक है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इनका सेनापति मन है। जब हमारा मन कहता है आज तो कुछ खाने का मन कर रहा है, तो रसीला खाओ, आज कुछ सुनने का मन कर रहा है तो सुनो, आज ये स्पर्श करने का मन कर रहा है स्पर्श करो, तो जो जो मन कहता है हम वही करते हैं, जो जो मन कहता है वही करते हैं हम। और पंच प्राण वाला, वो पंच फन वाला जो सर्प है, वो ये पंच प्राण है, हम और आप सो जाते हैं लेकिन ये प्राण, ये सांसें चलती रहती हैं, हमारी देखभाल करती रहती हैं। एक सांस न चले तो डॉक्टर कहते हैं ही इज नो मोर, शी इज नो मोर, हमारे सांसें चलती रहती हैं। वो जरा बुढ़ापा, वो सैनिक रात्रि और दिन, ये लोग जो घर जाने की जल्दी करते हैं ना, जिनको मैं बार बार रोकता हूँ, ये कभी नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकते, बोले ये सब उन्हीं सैनिकों के बस में है, 365 वो काले और 365 वो गोरे, धीरे धीरे करके इन्हें मृत्यु के कगार पर लेकर जा रहे हैं। हम लोग कब बुढ़े हुए मालूम है क्या, हमारी शादी कब हुई डेट मालूम है, हमारा जन्म कब हुआ डेट मालूम है, जॉब कब लगी डेट मालूम है, 10th क्लीन कब किया, 10th 12th क्लियर कब किया, ये डेट मालूम है, बच्चे कब हुए सब डेट मालूम है, लेकिन बुढ़े कब हुए डेट मालूम है क्या, मालूम है। चुपचाप से वो जरा आक्रमण कर देती है, सबको भोगती है वो जरा, और कब जरा आकर हमें बुढ़ा बनाकर हमें मृत्यु के काल तक पहुंचा देती है, मृत्यु के गाल तक पहुंचा देती है, हमको पता नहीं चलता। वो अविज्ञात मित्र कोई और नहीं, श्री कृष्ण ईश्वर ही है। वो ईश्वर कहते हैं तुम संसार के बनकर रहोगे तो कभी भी मृत्यु तुम्हें खा जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरे बनकर रहोगे तो तुम्हें रोना धोना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमेशा हमेशा आनंद के सागर में गोते लगाओगे। जो संसार के हुए हैं उन्हें रोना पड़ा है,
और जो गोविंद के हुए हैं उन्हें रोना नहीं पड़ा है। तकलीफ इसी बात की है, जो दुनिया दुख देती है वही अच्छी भी लगती है। अरे अब तो जागो, अब तो उठो, अब तो सवेरा हो गया, अब तो अपने मोहन से प्यार करो। कब तक इस संसार में यूं ही पड़े रहोगे? आप सबसे मेरा आग्रह है, आओ चार कदम अपने प्रभु से मिलने के लिए चले। ये पुरंजनी, ये बुद्धि, इसी के बस में ये जीव रहता है। जैसे जैसे बुद्धि करती है वैसे वैसे हम करते चले जाते हैं। इसलिए इस बुद्धि का विवाह भगवान के ही चरणों में कर देना चाहिए, उसी में बांध देना चाहिए। उन्हीं के चरणों में जब बांध देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। Twitter पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।